आज ना काफ़ी सुनसानी लग रही है क्योंकि बारिश की वजह से लग रहा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन हो रहा है ना। आज ना लंच में जैसी मौसम हो रहा है वैसी खाना बन गया, यानी कि लिंगोड़े की सब्जी, झोली और चावल। तो चलिए जी, आज का स्पेशल लंच करते हैं। और आज के स्पेशल लंच में बना है लेना है, और आज लगा कि हाँ बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, क्योंकि पूरे दिन ना बारिश थी पूरा है। फिर मिलते हैं आगे, और मौसम एकदम लगातार झमाझम बारिश हो ही रही है। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम नमस्कार पहला, उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। लेकिन आज जितनी बारिश हो रही है ना, तो फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से नज़ारे के साथ। तो अभी पहन लिया मैंने रेनकोट और चलना है अभी ऑफिस। और बारिश के बाद ना इतने छोटे छोटे वाटरफॉल बन गए हैं रास्ते में, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, साथ में पहाड़ों का नज़ारा। तो बने रहिएगा। तो जी कल से बारिश हो रही है और अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। और बारिश तो अच्छी लग रही है लेकिन बहुत ज़्यादा बरस गया है, कल रात भर बारिश होने में है। और जब सरकार ने अलर्ट बताया था ना, रेड अलर्ट, तब तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई पहाड़ में। और आज स्कूल भी खुले हैं, सभी चीज़ खुला है, लेकिन आज इतनी ज़्यादा बारिश हो गई है। तो चलिए फिर निकलते हैं अभी फिलहाल, और फिर मिलते हैं आगे। और मौसम एकदम लगातार झमाझम बारिश हो ही रही है। तो भीगते भीगते पेट्रोल पंप में पहुंच गए हैं और यहाँ से फ्यूल फिल कराते हैं और फिर निकलते। देखो मौसम चारों तरफ ना ऐसा हो गया है। तो भीगते भागते पेट्रोल पंप में और यहाँ से तेल भराते हैं और फिर निकलते हैं। और आज ना काफ़ी सुनसानी लग रही है क्योंकि बारिश की वजह से लग रहा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन हो रहा है ना। और कल बताया था रेड अलर्ट, तो कल अच्छी खासी धूप थी और आज देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो गई है। तो चलिए फिर। देर क्यों लगा रहे हो भाई, देर मत लगाओ, फुल। तो पहुंच गए हैं ऑफिस वाली रोड में, लेकिन आज रोड के बहुत बुरे हाल हो रहे हैं भाई, मिट्टी मिट्टी हो रही है। ये देखो पानी बह रहा है यहाँ से भी। लंच आ जाओ, पुष्पा जाओ। तो बारिश के बाद कुछ ऐसे नज़ारे हो रखे हैं। तो हमारा हो गया लंच टाइम, तो हम जा रहे हैं लंच के लिए। तो आज के लंच में है हमारा स्वादिष्ट व्यंजन, जिसमें लिंगोड़े की सब्जी और झोली, चावल, रोटी और सिवई। तो चलिए फिर कर लेते हैं हम लोग लंच। तो चलिए जी, हमारा लंच हो गया। और आज ना लंच में जैसी मौसम हो रहा है वैसी खाना बन गया, यानी कि लिंगोड़े की सब्जी, झोली और चावल। अभी हूँ मैं अपनी लोकल मार्केट में, और बारिश बंद हो चुकी है ऑफिस के बाद, जस्ट आ रखी हूँ मार्केट में क्योंकि सामान लेना है। और आज लगा कि हाँ बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, क्योंकि पूरे दिन ना बारिश थी पूरा, हेलमेट वगैरह भीग गया, रेनकोट भीग गया। और अभी इतने खूबसूरत नज़ारे हो रहे हैं ना पहाड़ों के, तो चलिए दिखाती हूँ आपको भी।
पहला पान भरन पान नोना क्या तेरा कत दिन होके पान आए। अरे बारिश बाद हो से वाला बाद जो ही लगा। अच्छा होए अब थोड़ा बारिश कम हो गया। मैं इतनी तक आरछ दुकान तो इस वाले पेड़ पे देखिए कितने ज्यादा नाशपाती लगे ऊपर तक का। तो अभी ये भी तैयार हो जाएंगे बस 10-15 दिनों में। तो अभी सामने ग्राउंड में देखिए बारिश बंद होते ही ना गांव के सारे बच्चे खेलने में लगे हुए हैं इधर सामने। तो यहाँ पे इनका मैच फुटबॉल वगैरह चलता है इधर। तो यहाँ पर बड़ा ग्राउंड है नतफा खान स्कूल का और ये रोड जाती है हमारे घर की तरफ। ये देखो भाई कच्ची रोड के क्या हाल हो रखे हैं। सारी मिट्टी बह के ना पूरे रोड़े रोड़े हो गए। तो यहाँ से गाड़ी चढ़ाना ना थोड़ा मुश्किल है और रोडों में पानी पानी एकदम। और फिर से मौसम बन गया काला काला। तो बारिश होते होते ना इस रास्ते पे काई लग जाती है उतरने वाले रास्ते पे। तो एकदम पूरा हरियाली हरियाली तो हो ही रखी है लेकिन रास्ता भी बहुत रिस्की हो रहा है। तो घर आने के बाद मैं जा रही हूँ पानी भरने के लिए क्योंकि आने के बाद ना आजकल क्या हो रहा है पहले तो गर्मी की वजह से पानी नहीं आ रहा था और अभी वैसे पाइप वगैरह में कहीं पानी नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ अपने हैंडपम्प में जहाँ से हम पीने का पानी भरते हैं। तो ये देखो इधर रहा है हैंडपम्प। तो आजकल ना पूरे हर जगह हरियाली हरियाली और काई काई हो गई है काई भी लग रखी है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने हैंडपम्प में और बारिश आ रही है ना उधर से तो जल्दी से भर लेते हैं पानी। और अभी गर्मियों में इतने हाल खराब होते ना लेकिन हमारे हैंडपंप ने पूरा साथ दिया था। तो चलिए फिर भरते हैं पहले पानी। मुक्तेश्वर वैली की तरफ से ना फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है सामने और शाम की बारिश है और आएगी। और हमने बना लिया हर्बल चाय। तो चलिए फिर हर्बल चाय पीते हैं और फिर करते हैं घर का काम। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिए। तो जल्द मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।